तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे फूड के भीतर आज का मेरा डाइट ये है, हर बर्गर मत है, लेकिन जब आप कैप्टिव में हैं तो कुछ चीज़ों का ख्याल ज़रूर रखा जाता है। जैसे इधर हल्दी है और थोड़ा सा ऑयल का, थोड़ा सा मतलब सफ़ेद ऑयल का मिक्सचर, तो ये होता है एक बहुत ही। अब लोग टाइटल देख ही चुके होंगे, जो बेनिफिट ऑफ सॉफ्ट फूड और हाउ टू प्रोवाइड सॉफ्ट फूड फॉर आवर बर्ड्स हेल्थ एंड ब्रीडिंग। देखिए ये टॉपिक मैंने फिर एक बार चुना क्योंकि आप लोग जो फ़ोन करते हो ना, आज की डेट में ना बहुत कन्फ्यूजन है सॉफ्ट फूड के ऊपर, और इतना बोल सकते हो इसके ऊपर हम लोगों को जो लोग YouTube में वीडियो बनाते हैं इसके कारण होता है, क्योंकि कुछ लोग आपको बोलेंगे मेडिसिन के ऊपर ब्रीड करवाइए, और आज के डेट में यही मतलब क्या है कंडीशन है, यही वास्तव है। जो कुछ भी करके हमको ब्रीड चाहिए, और ब्रीड के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार है, चाहे वो दुनिया के कितना भी खतरनाक मेडिसिन हो, बर्ड्स का हेल्थ ये सारी चीज़ मत देखिए। एक दो साल के भीतर जितना आपको मतलब लेना चाहिए लेके, अगर अच्छा ब्रीडर होगा, मान लीजिए सपोज़ मैं खुद को हम पकड़ लेता हूँ, मैं अगर बोलूँ आपको दादा ये मेरा ब्रीडिंग पेयर है, बहुत अच्छा खासा ब्रीड करते हैं, अब लोगे थोड़ा सा सोच के देखिए क्या हम बोलना चाहते हैं। तो जो हमको भरोसा करते हैं ना वो ऐसे ही ले लेंगे, लेकिन होगा क्या, हमको जो खाना है उससे हम पूरा खा लिया, निचोड़ लिया, फिर हम उसको सेल आउट कर दिया, क्योंकि हम जानते हैं इससे और कुछ हमको मिलने वाला नहीं है। तो किसी को मुर्गी बना के या कोई भी मुर्गा बाजार में बहुत सारे लोग घूम रहे हैं ऐसे मुर्गी बन के, किसी को पकड़ लिया, फेसबुक में हमेशा ऐसे होता है, और आप हंसी खुशी उसको जो पे बोला हमने, जो आपको कॉस्ट बोला हमको देकर, मैंने जेब में घुसा लिया, अपने लेके चला गया, अभी नाओ चलो शुरू हो गया आज, एक लेइंग मतलब लेइंग हो रहा है तो फर्टाइल नहीं हो रहा है, एक एक ले कर रहे तो वो भी मतलब फर्टाइल नहीं है, अगर बेबी कहीं से भी जन्म हो पाए तो रिकेट बेबी हो रहा है। आज के डेट के यही सिनेरियो है, आप मानो या ना मानो, ठीक है, क्योंकि इतना जान लीजिए इस यहाँ पे ना बहुत सारे चीज़ें है जो हम बोल सकते हैं लेकिन बोलते नहीं हैं, क्योंकि नया बिगिनर का यही प्रॉब्लम होता है, हम लोगों को जैसे देखकर हम लोग जो बताते हैं आप लोग फॉलो करके फंस जाते हैं। अब ऐसे यूट्यूब चैनल दिखाई है, हाँ कुछ बातें ऐसे हैं जो मेरे वीडियो देखने के बाद वैसे ऐसे बहुत सारे चैनल पे ये सारी चीज़ हो जाए मतलब हो रहा है, नीम पत्ता डालिए, नेचुरल केयर कीजिए, अंकुरित फूड कीजिए, मतलब बोला जा रहा है, ठीक है चलो कोई अच्छा बात है, लोगों को शिक्षित कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ज़्यादातर देखिएगा ब्रीडिंग टाइम पे खाना ऐसे प्रोकस कीजिए, अब कुछ बोलने दीजिए हमको, और ये कोई मतलब फिल्म का हम स्टोरी नहीं मार रहे हैं, सुना रहे हैं आपको, हम सच्चाई बयान कर रहे हैं, आप खुद अपने हिसाब से सोच के देखिएगा, और उसी से हम लोग आगे जा के देखिएगा। बड़े बड़े टैग लाइट टाइटल में लिखा हुआ रहता है लव बर्ड्स पाल के महीने पे 40,000 रुपया कमाइए, ठीक है, और आप कुछ लोग इसी लोभ लालच के कारण अपने सब कुछ, मेरे पास फ़ोन कॉल्स आते हैं फ्रेंड्स, तथा सब कुछ बर्बाद हो गया ऐसे करके, तो इसीलिए मैं बोल पा रही हूँ ऐसे मतलब फंदों पे अपने पैर को मत फंसाइए। एक कोई मैजिक चीज़ नहीं है जो आपको तुरी ऐसे मारेंगे और मैजिक बन जाएंगे, या कुछ मान लीजिए इस बॉटल को ले लीजिए ऐसे हो जाएगा, कोई फूल निकल आएगा मतलब फ्लावर निकल आएगा, एक आई वॉश है मैजिक शो में, क्योंकि व्यूज़ के चक्कर में आज के डेट में बहुत कुछ हो रहा है। मैं किसी का तो नाम तो नहीं लेऊँगा या ले भी नहीं रहे हैं, लेकिन हो तो रहा है ऐसे, और जो लोग मान लीजिए थोड़ा सा एडुकेटेड है नहीं मानते, क्योंकि कहाँ पे होता है, कहाँ पे कौन से किताब में कौन से प्रैक्टिकल में लिखा हुआ है जो आपको एक महीना पे मतलब वो एकदम क्या है मशीन जैसे है, आप घर पे लेकर आइए ब्रीड पे, मतलब आते आते ही मतलब एक छोड़ते छोड़ते आएंगे आपके घर में, ऐसे कंडीशन में हो जाता है, तो आप बिठा दीजिए भरपूर बच्चा बन जाएगा, सेल आउट कर दीजिए। ये फिल्म में होता है 2 घंटे के फिल्म में या 2.5 घंटे के फिल्म में होता है,
जो हीरो होता है अभी दिखा जाता है वो पैदल चल रहा है, अभी नहीं दिखाते, छोटे उम्र पे देखा था वो दौड़ रहा है ऐसे, फिर नेक्स्ट सीन में बड़ा हो गया। ठीक है, वास्तव में ऐसे कुछ नहीं होता है। आप कोलाब्बर से रोज़गार ज़रूर कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको 6 महीना 1 साल गुजरना पड़ेगा उसके साथ। तो आज का टॉपिक ये है, वो है सॉफ्ट फूड। सॉफ्ट फूड को बहुत ही ध्यान के जानिए, क्योंकि आप लोगों का बार्स का इतने सारे जो प्रॉब्लम्स, एक तो है बहुत सारे चीज़ों आप कर चुके हो, कभी ने किसी ने ये डालने के लिए बोला आपने डाल दिया, कभी किसी ने ये डालने के लिए बोला आपने डाल दिया, मतलब मेडिसिन के बारे में बोल रही हूँ। कभी किसी ने बोला बारिश हो रहा है या सॉफ्ट फूड मत दीजिए, तो कभी किसी ने बोला विंटर मतलब क्या है समर इतना धूप में सॉफ्ट फूड मत दीजिए। तो ऐसे करते करते जो बोलकर वो तो बोल के चले जाते हैं, फंस जाते हो आप किस दुविधा में, करूँ या ना करूँ, करूँ या ना करूँ, करते करते अब खुद भी उम्र हो, आपका खुद भी बाल पक जाएंगे और आपका बार्स एक्सपायर होकर मरे जाएंगे। तो इसीलिए सॉफ्ट फूड के ऊपर ज़रूर ध्यान दीजिए, कोई भी मेडिसिन ना होम्योपैथिक ना एलोपैथिक की ज़रूरत पड़ेगी, सिर्फ सॉफ्ट फूड के ऊपर फोकस कीजिए। सप्लीमेंट है मार्केट में, ऐसे वैरायटी सप्लीमेंट पे कौन सा आप मतलब आपको ले जाके वहाँ पे हम रख देंगे ना, अब आपका दिमाग पागल हो जाएंगे जो कौन सा मेडिसिन बार्स के लिए सही है। हर कोई बोलेगा आपको मेरे मेडिसिन सही है, मेरे मेडिसिन सही है, ये यूज़ करो ज़बरदस्त रिजल्ट। यहाँ पे आपने देखा नहीं इस वीडियो में मेरा ऐड आया था जो कितना बड़े ब्रीडर का मतलब बोला था उसका यूज़ किए, आपने कभी कहाँ पे देखा, कहाँ पे देखा। लेकिन ये टेक्निक है मार्केटिंग का और हम लोग फंस जाते हैं इसमें। ठीक है, ऐसे ही मतलब हम लोग यूज़ टू हो जाते हैं बहुत जल्दी, कभी किसी ने कुछ बोला तो उसमें प्रयोग कर दिया, कभी किसी ने इस बोला, लेकिन इतना भरोसा हम खुद के ऊपर बोल सकते हैं, जो करता नहीं हूँ हम बोलता नहीं हूँ। शांतनु बार्स के चैनल पे छाती ठोक के बोल सकते हो आज तक गलत वीडियो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को शेयर नहीं किया, चाहे वो मेडिसिन हो, सॉफ्ट फूड हो, ब्रीडिंग हो और हेल्थ हो, जो मैंने खुद प्रैक्टिकल किया उसी के बारे में मैंने जानकारी दिया। और इतने सारे वैराइटीज़ होम्योपैथिक के मेडिसिन के ऊपर जो बातचीत हम करते रहते हैं, कोई भी कंपनी के मेरा बाप दादा का नहीं है या पैसा नहीं मिलता है, मैं खुद यूज़ करके देखा अच्छा रिजल्ट है तभी जाके हम आपको बोलते रहते हैं, सजेस्ट करते रहते हैं जो अल्फ़ा यूज़ कीजिए, अश्वगंधा यूज़ कीजिए, एक्वानाइट, ये सारे चीज़ें, और आप लोगों को फ़ायदा मिल भी रहा है। लेकिन ये एक साइड में सॉफ्ट फूड आपका बार्स का ज़िंदगी है, मतलब आपका बार्स का हेल्थ एक बार सोच के देखिए ना, ठंडे दिमाग से कभी बैठ के सोच के देखिएगा। अब हम लोग हर बारे में बहुत कुछ उलट पलट कर देते हैं, लेकिन शांति से अपने सेटअप में जाके बैठिए और थोड़ा सा मन लगा के फोकस करके सोचिए, जो ब्रीडिंग हेल्थ का क्या बाहर है, अलग सा कैसे ब्रीडिंग हो सकता है मेडिसिन से, मतलब उसमें कोई हॉर्मोन्स को जी एक काउंटिंग बढ़ाया जाता है, फर्टिलिटी बढ़ाया जाता है, कैसे कुछ ना कुछ उसमें है ही ज़रूर जो नेचर के खिलाफ है। मान लीजिए क्या है नेचर जो है, एक बच्चा जैसे लवबर्ड्स मिनिमम 4-3 एग या मिनिमम 2 एग मैक्सिमम 6-7 एग्स, तो उसको अगर काउंटिंग में हम लोग बढ़ा रहे हैं तब मैं कुछ हार्मोनल चीज़ों को डेवलप करके बढ़ा रहे हैं, जो उसका जो एक का जो चीज़ें है जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जहाँ पे एक फॉर्मेशन होता है उसका काउंटिंग में बढ़े, फर्टिलिटी में बढ़े, क्योंकि वो मेडिसिन देने के बाद मेल का स्पर्म और फीमेल का जो वो भी जो कुछ भी है उसके साथ फर्टिलिटी रेट बढ़ जाता है, जो डेड स्पर्म से सी और मतलब कन्फर्म स्पर्म में बदलते हैं तभी जाके मेट करते हैं, जो आज के डेट में एक कारण, क्योंकि मेडिसिन कंपनी का कोई गलती नहीं है, मैं देखता नहीं हूँ, हम लोग ब्रीडिंग के पीछे इतना पागल हो चुके हैं, जो कुछ भी करके हमको ब्रीड चाहिए, बार्ड्स मरे जिए कोई फ़ायदा नहीं मेरे को, ब्रीडिंग टाइम पे बिठा देंगे, मतलब मेरे पास हर रोज़ फ़ोन कॉल आता रहता था कब मतलब लगाऊँ, कौन सा विटामिन दूँ, कौन सा कैल्शियम दूँ, मैं मन ही मन सोचता रहता हूँ, जो हम मतलब ये वीडियो बनाना क्या सही हो रहा है गलत हो रहा है, लेकिन फिर भी सोचता हूँ जो लोग सीखते हैं उसके लिए तो बनाना ही पड़ेगा, और जो लोग सीखते नहीं है ऐसे ही उसका ज़िंदगी है, ऐसे ही उसका सोच है, जैसे कि मैंने बार बार बोलता हूँ, अगर आप सचमुच नींद पे हो तो आपको ऐसे धक्का मारने से आप उठ जाओगे, अगर आप मतलब जग रहे हो लेकिन दिखा रहे हो आप नींद पे हो, आपको कोई नहीं उठा सकते, भगवान भी नहीं उठा सकते, जब एकदम उठेगा उठेगा वो अलग बात है,
तो इसीलिए सॉफ्ट फूड में ध्यान दीजिए, वेराइटीज़ ऑफ सॉफ्ट फूड को, मतलब कैसे, अब वो सवाल कर सकते हो कैसे, जैसे मैंने देखिए आप लोगों को जो मैं चाट बनाता हूँ, मैं पैसा लेता हूँ, उसी के दौरान मैं चाट बना के मेरा जो इतने दिन सालों का जो इन्फॉर्मेशन है दिमाग में है और न्यूट्रिशन के ऊपर मैं खुद जो स्टडी किया उसको हम देते रहते हैं। उसमें आधा चीज़ हम वीडियो में भी बनाते हैं और कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो हम जो चार्ट बनाने के लिए देते हैं उसको हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। बाकी चीज़ों को हम इधर प्रोवाइड, क्योंकि आप लोगों के लिए नहीं, ये चोरी हो जाएंगे, क्योंकि ब्रीडिंग टाइम पे कोई अलग सा फूड हो नहीं सकता है। हाँ, आप हर रोज़ जो फूड दे रहे हो उसी को दो, सही मात्रा में दो, सही बैलेंस करके दो, बार्स का जो रिक्वायरमेंट्स है वो सही से दो, तो देखिएगा मटकी और बॉक्स लगाने के बाद वो अपने आप डेट पे आएगा, ये ग्लेइंग करेगा उस टाइम पे। हाँ, उस टाइम पे कुछ सपोर्टिंग ज़रूरत है, जैसे अगर मान लीजिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ इसीलिए आप लोगों को फल मिल चुका है, जो वी प्लस एक नेचुरल डाइट है, आप लोग देख ही चुके हो, मतलब आपके हाथों के सामने उदाहरण, मतलब एग्जांपल है, फिर भी हम लोग भटक जाते हैं। जो वी प्लस एक नेचुरल डाइट है, नहीं 49 किस्म के इन्ग्रीडियंट्स मैं बनाता हूँ, और ऐसे ही नहीं, उसके पीछे मेरा रिसर्च है, मेरा स्टडीज है, मेरा साधना है, तभी जाके वी प्लस का मैंने एक्सप्लोर किया। तो उस देने के बाद आहिस्ता आहिस्ता बार्स उसका आपका हैबिचुएटेड, और आपका हेल्थ सही है तो ब्रीडिंग भी सही होगा। इतना दिमाग में घुसा लीजिए ये बात, मेरा सेंटेंस, हेल्थ सही है तो ब्रीडिंग सही होगा। अगर आपका बार्स मेंटली एंड फिजिकली वीक है तो कुछ भी करके आप एक दो ब्रीड तो ले सकते हो, उसके बाद वो इतना वीक हो जाएंगे वो मर जाएंगे। कभी कभी देख रहे होंगे जो फीमेल हैच करते करते मर जाते हैं, ये कभी हम लोग सोचते नहीं है, क्या इतना दुख की बात नहीं है जो हम लोग सोचा करें, जिससे हम ले रहे हैं, जिससे मेरा हम लोगों का घर संसार हम लोग खुद चल रहे हैं, उन लोगों का ख्याल रखना क्या गलत है? उन लोगों को हेल्थ का ख्याल रखना अगर गलत है तो ये गलती मैं बार बार करने के लिए तैयार हूँ, चाहे भगवान भी बोले या कोई भी, मतलब कुछ भी हो जो सामने आके, क्योंकि ये गलती मैं बार बार दोहराने के लिए राजी हूँ अगर ये गलती है, क्योंकि मैं जो हमको दे रहे हैं उसको देने में प्रॉब्लम क्या है? हम लोग सीड्स में रखते हैं, हम लोग मेडिसिन के ऊपर खर्चा करते हैं, जो कुछ भी बोलते हैं उसको उठा के खर्चा कर देते हैं। पहले सॉफ्ट फूड में ध्यान दीजिए, बैलेंस डाइट मेंटेन कीजिए, जो आप देख रहे हो मेरे बातों के साथ साथ, ये मेरा हर रोज़ का काम है। मैं 360 ना बारिश कितना भी, मतलब पानी जम जाए, मतलब फ्लड हो जाए, कुछ भी हो जाए, मेरा सॉफ्ट फूड कभी ऑफ नहीं होता है, क्योंकि मेरा तो कभी लीवर और इंटेस्टाइन का प्रॉब्लम ही नहीं है, तो ऑफ क्यों करूँ? हाँ, उस टाइम पे जैसे हम लोगों का भी, अगर मान लीजिए पेट में दर्द हो रहा है, लूज मोशन हो रहा है, तो तभी डॉक्टर भी बोलता है लिक्विड फॉर्मेशन में कुछ खाइए, हल्का फुल्का खाइए, मूढ़ी हो गया, दही हो गया, ऐसे कुछ चीज़ या ORS हो गया, ऐसा मतलब ये सारे फ्रूट्स शरीर में लीवर को ज़्यादा तंग नहीं करते हैं, लीवर सही से उसको हल्का फुल्का खाना है तो डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो इसीलिए, क्योंकि इंसान का जो स्टोमक भी बहुत कुछ डाइजेस्ट करते हैं, जैसे पानी हो गया, ये सारी चीज़ खुद डाइजेस्ट करते हैं, उसके लिए नीचे मतलब इंटेस्टाइन तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसीलिए बार्ड्स को भी आपका हेल्थ का ख्याल रखिए तो ब्रीड अपने आप करेगा। आप लोग पूछते रहते हो ना दादा, मेरे बार्ड ब्रीड नहीं कर रहे हैं, मेरे बार्ड मूड पे नहीं आ रहे हैं। पहले आप मेरे से सवाल तो एक बार नहीं 100 बार कीजिए, पहले खुद को सवाल कीजिए क्यों ऐसे हो रहा है, और क्यों ऐसे, मतलब जो हो रहा है उसको क्या कैसे हम बदलेंगे, ठीक है? तो क्योंकि आप लोग सही से फूड कभी मेरे पास, ये हम कैसे जान पा रहे हैं? आप लोग फ़ोन करते हो, हम पूछते रहते, बताते हो आप लोग, कभी दादा चना दे दिया, कभी तुलसी का पत्ता दे दिया, कभी नीम का पत्ता दे दिया, आज बारिश हो रहा है तो बगल में एक ब्रीडर रहते हैं तो उन्होंने बोला आज सॉफ्ट फूड मत दीजिए, सीड्स के ऊपर रख दीजिए। तो आपके साथ ऐसे ही तो होना है ना, अब लिख कर रखिए सॉफ्ट फूड, अगर जब तक सही नहीं करोगे आपका बार्स का प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होगा, कभी सॉल्व नहीं होगा। अब ये वीडियो आज के डेट तारीख देखे मेरे बाद लिख कर रखिए, क्योंकि एकमात्र सॉफ्ट फूड ही है जिसमें वेराइटीज़ है, जिसको हम लोगों को देने का तरीका जानना पड़ेगा, कैसे घुमा फिरा के दूँ या ना दूँ इसको जानना पड़ेगा, तभी जाके चीज़ें कुछ बदलेगा, नहीं तो ये सिलसिला चलता रहेगा। आज बॉडी का प्रॉब्लम हो रहा है, कल फेदर फुला के, कभी ब्रीड नहीं कर रहे, कभी मूड पे नहीं आ रहा है बच्चा, क्योंकि जिस माँ बाप से उस बेबी का जन्म हो रहा है वो माँ बाप ही तो मेंटली एंड फिजिकली वीक है, तो कैसे अच्छा चीज़ को जन्म दे पाएगी? सोचा कीजिए,
सोचने में सब कुछ होता है, लेकिन हाँ पॉजिटिव वे में सोचिए, नेगेटिव वे में अपने टाइम को बर्बाद मत कीजिए, पॉजिटिव वे में सोचिए जो क्यों मेरे बेबी बार्ड्स का बेबीज ऐसे हो रहा है, मतलब कहाँ पे, ये तो कोई दूसरे का सेटअप में नहीं है, 6 महीना 1 साल से मेरे सेटअप पे है, तो मैं कहाँ पे गलती कर रही हूँ, कौन चीज़ में गलती कर रही हूँ, क्योंकि इंसान हूँ, गलती हो सकता है, उसको सुधरना चाहिए, ना कि उसको ही बार बार दोहराना चाहिए। तो इसीलिए सॉफ्ट फूड में फोकस कीजिए, हाउ टू प्रोवाइड सॉफ्ट फूड, कैसे प्रोवाइड करो, जो बार्ड्स का शरीर का जो रिक्वायरमेंट्स है, क्या रिक्वायरमेंट्स है, विटामिन्स है, मिनरल्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, थोड़े बहुत फैट है, प्रोटीन के भीतर वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन मतलब एनिमल प्रोटीन्स, उसको एक आपको डिज़ाइन करना पड़ेगा, मतलब तुली से या पेन से नहीं, दिमाग से डिज़ाइन करना पड़ेगा, 7 डेज में मैं ये चीज़ प्रोवाइड करूँगा। मेरा लाबर्ड जो है घर में, उसको हैबिट किया गया है छोटे उम्र से, मैंने कभी एडल्ट बार्ड के पीछे भागा ही नहीं, टाइम वेस्ट नहीं किया, मैं शुरुआत किया था सेमी एडल्ट बार्ड से, और फिर उसके बाद से मैं एक ही ब्रीडर से, जो बार बार हम बोलते रहे, एक ही ब्रीडर से मैं बार्ड्स को उठाता हूँ, क्योंकि मेरा जो मेंटेलिटी है उसका मेंटेलिटी सेम है, वो भी बार्ड्स को वैसे ही देखते हैं जो हम देखते हैं, क्योंकि उसका भी एक ही बात है, जिससे हम ले रहे हैं उसको देने में तकलीफ क्या है, प्रॉब्लम क्या है, तो इसीलिए कभी उसको देखा नहीं है सॉफ्ट फूड को ऑफ करने के लिए, कभी उसको देखा नहीं है सारे, क्योंकि एक सिमिलरिटी मेंटेन होता है, इसीलिए सेम जब सेल्फ फीडिंग हो जाता है बार्ड्स, मैं उठा के ले जाता हूँ, अगर लेना है, पैसा की बात छोड़िए, कभी कभी क्या मतलब बाद में दूंगा, 1-2 महीना 3 महीना 4 महीना बाद हम प्रोवाइड दे देते हैं, क्योंकि वो भी जानते ही है भागने वाला इंसान नहीं है, पैसा उसका नुकसान नहीं होगा, रिश्ता ऐसे है, उसका प्रॉब्लम होता है तो हमको बुलाते हैं, मदद करता हूँ, मतलब केयर ट्रीटमेंट के बारे में, और ख़ुद का बेबीज में रख के बड़ा करके उसी टाइम पे मैं फ्रूट्स खाना सिखाता हूँ, मेरे बार्ड्स बार बार बोल रही हूँ, बहुत सारे वीडियो में बोला, सीड्स बाद में सीखते हैं, सॉफ्ट फूड वैराइटीज ऑफ सॉफ्ट फूड पहले खाना सीखते हैं, उसमें गेहूं से लेके एग फूड से लेके चिकन फूड्स को लेके फ्रूट्स को लेके सब कुछ है, देने का तरीका अलग अलग आपको सही से जानना पड़ेगा। सॉफ्ट फूड में ज़्यादा भीतर में पानी हो लेकिन बाहर ज़्यादा वाटरी नहीं होना चाहिए, बार्ड्स वाटरी चीज़ पसंद नहीं करते, उसको ड्राई करके जैसे दाल मिक्स सोक फूड जिसको बोला जाता है, जिसके भीतर पानी है लेकिन बाहर से दिख रहा है वो सूखा हुआ है लेकिन भीतर में नरम है, उसको सोक फूड जाल डाल को हम लोग पानी में भिगो के ये सारे उसको सोक करके आप प्रोवाइड कीजिए, दाल मिक्स सप्ताह में 2-3 बार दाल मिक्स प्रोवाइड कीजिए। मैं जो वैराइटीज़ आप लोगों को दिखाया, ठीक है, मेरा एक दिन का है, दूसरे दिन वो बदल जाता है, मेरा कनूर और लव बार्ड्स को 5 किस्म का वेजिटेबल्स, उसके साथ गेहूं तो उसका मेन प्रायोरिटी फूड मतलब एक पसंदीदा फूड से उसको देना ही पड़ता है, नहीं तो कुछ नहीं खाएगा, चना रहता है वेजिटेबल्स में जैसे बोला, उसके साथ आप अंकुरित स्प्राउट फूड सप्ताह में 3 दिन, 1 दिन चिकन फूड, बाकी 3 दिन एग फूड, ऐसे करके मैं प्रोवाइड करता हूँ। हाँ ये बात अलग है, देखिए उसको आप इसी को सुन के नकल मत कीजिए, मतलब कॉपी मत कर दीजिए, क्योंकि आप खुद देखिए, थोड़ा सा टाइम देना दीजिए, देखिए आपके पास टाइम नहीं है, मैं सारा दिन काम पे बिजी रहता हूँ, तो बार्ड्स मत पलिए, बार्ड्स का एक तस्वीर घर में लगा दीजिए, ये सोच के बैठ जाइए मेरे पास बार्ड्स आपका घर में है तो आपको फोकस करना पड़ेगा, आप कितना भी काम पे बिजी रहें, क्योंकि एक वो चीज़ आपके ऊपर मतलब डिपेंड है, तो अगर आपके पास टाइम नहीं तो घर में क्यों ला रहे हो, मेरे पास साफ सुथरा बात है, अगर बार्ड्स का इतना ही इच्छा है, मूवी देख लीजिए, नेशनल जियोग्राफी देख लीजिए, डिस्कवरी देख लीजिए, यूट्यूब खोल के अदर्स बार्ड्स का वीडियो देख लीजिए, शौक मिटा लीजिए, प्रॉब्लम क्या है इसमें, लेकिन घर में है तो उसका पूरा केयर आपका ऊपर मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है। तो मेरे बार्ड्स का पसंदीदा फूड्स कौन सा है, उसको कैसे हमको घुमा फिरा के दूँ जिसमें उसका जो नीड्स है, जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरा हो, तभी जाके चीज़ें बनेगा, तभी जाके देखिएगा आप प्रैक्टिकल मतलब जब करोगे ना तभी देखोगे, जो मेरे दोस्त 1 साल बाद या 6 महीना पहले जो था आज पूरा सिस्टम बदल गया, इतना बीमार नहीं पड़ते हैं, इतना थका हुआ मतलब वीक नहीं है, ब्रीड भी अच्छा कर लेते हैं, और उसी से जो बेबीज आ रहा है वो भी जिंदा, क्योंकि मैंने जो चार्ट आप लोगों को भेजा, बहुत लोगों ने मैसेज करके करके लिया, सभी को भेज दिया, उसमें होगा क्या, अगर आप मैं चार्ट मिल के ये सोच लोगे जो मेडिसिन से सब कुछ हो जाएगा, नहीं होगा, इतना लिख कर रखिए, वो एक
सेकेंडरी ऑप्शन है जो बेबीज़ का कुछ प्रॉब्लम है उसको हम बैक्टीरियल फंगल वायरल को रोक सकते हैं। मेन चीज़ है सॉफ्ट फूड, क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ सॉफ्ट फूड जो आपको प्रोवाइड हर दिन। ब्रीडिंग सीजन में जो लोग वीडियो बनाते हैं ना, ब्रीडिंग सीजन में ये फूड दीजिए, अब करके देखिए, ना होगा तो मैं वीडियो बनाना छोड़ दूँगा, इतना बहुत बड़े बात मैं आज ओपनली बोल रही हूँ। पूरा सीजन आप सही डाइट को उसको मेंटेन कीजिए, फिर सीजन टाइम पे आप मटकी या हाड़ी लगा के देखिए आपका बार्स रिजल्ट। जो बार्स देखिए आपको पूरा प्रॉपरली आगे जाना पड़ेगा, जो रास्ते से आप गुजर रहे हो उसको सही हर चीज़ इधर उधर देख कर आगे बढ़िए, ना कि वो मतलब इधर चल रहा आसमान में आँख है, ऐसे नहीं। जहाँ फोकस है वहाँ पर आपका आँख कान नाक होना चाहिए, तभी जाके ये सीजन होगा, तभी आपका बार्स का मूड भी आएगा, तभी आप वो फर्टाइल एग भी ले करेंगे, मेटिंग भी सही होगा, बेबीज़ भी सही आएगा। सुनने में अच्छा लगता है, करने में प्रॉब्लम हो जाता है, तो मैं जानता हूँ, लेकिन इसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब क्या आप कहाँ पे गलती कर रहे हो आपके सेटअप की? देखो, बार बार सोचो, बार बार सोचो, टाइम बिताना पड़ेगा आपको, तभी जाके चीज़ें सामने आएगा। मैं तो हूँ आप लोगों के सामने, पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे सार पोजीशन में हूँ, मैं गाइड करने के लिए हूँ, जितना मेरा नॉलेज है उस पर माई नॉलेज मैं गाइड ज़रूर करूँगा, लेकिन खुद को गाइड करना सीखिए। मैं इस चैनल का एक ही मकसद है, आप कुछ सीख कर जाइए। हो सकता है आप मेरे साथ बात ना करो, मतलब बाद में रिश्ता रखो या ना रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे और मेरे इस चैनल का मकसद एक ही है, जो कोई भी आए, कैसे भी कंडीशन में आए, कुछ सीख कर इधर से जाए और अपने बार्स को सही केयर करे, अपने पेट्स को सही केयर करे। तो सॉफ्ट फूड के ऊपर ज़रूर ध्यान दीजिए। सॉफ्ट फूड के साथ मैं एक चीज़ बोलूँगा होम्योपैथिक में डालने के लिए, वो है फाइव फॉस, उसको ज़रूर सप्ताह में 2-3 बार यूज़ कीजिए, और अल्फ़ा को ज़रूर अपनाइए, अल्फ़ा या अश्वगंधा को ज़रूर अपनाइए, देखिएगा। और बाकी कुछ चीज़ों की ज़रूरत नहीं, मार्केट में इतने सारे अनवांटेड मेडिसिन घूम रहा है ना, अच्छा अच्छा बोल के, उसके चंगुल से आपको निकलना पड़ेगा, तभी जाके चीज़ें कुछ बदलेंगी। क्योंकि विटामिन कैल्शियम हम लोग सपोर्ट के हिसाब से देना चाहिए, ना सी उससे ब्रीड करवाना चाहिए। बार्स आपका ऐसे ही ब्रीड करेंगे। एक बात सोच के देखिए, गलत लग रहा होगा ये हमको छोटी उम्र ऐसे, हम लोग बड़े बहुत बड़े हो, कुछ माइंड मत कीजिए। हम लोग जब ब्रीड करते हैं, क्या मेडिसिन खा के ब्रीड करते हैं? इच्छा से आते हैं सर, मेंटली एंड फिजिकली, फिर शरीर को मेंटेन करने के लिए हमको विटामिन कैल्शियम की ज़रूरत है, लेकिन वो प्राइमरी नहीं, सेकेंडरी। पहले आप मटकी बॉक्स लगा के देखिए आपका बार्ड्स नेचुरल, बी प्लस खिलाने के बाद नेचुरल बार्ड्स कैसे ब्रीड कर लेते हैं, क्योंकि वो इंटरनली एंड फिजिकली मेंटली स्ट्रांग होते हैं, जिससे कोई भी केमिकल दिया हुआ नहीं है, एकदम नेचुरल फूड से। तो चलिए, बोलने से तो बहुत पूरा लंबा हो जाएंगे, इतना नहीं बोल सकते हैं, जितना बोल रही हूँ कीजिए। मेरे बातों में अगर थोड़ा सा भी सच्चा लगा, मतलब सच्चाई महसूस किया, तो कमेंट्स करना है मुझे। नमस्कार।